गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 9 में हम लोग त्रिभुजों की प्रश्नावली कर रहे थे और त्रिभुजों की सर्वांग समता मैंने बताई थी कि दो नियम आपको मैंने बता दिए थे। एक तो SAS नियम, जिसको भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं, ये अभिग्रहित है, स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और ASA नियम, कोण भुजा कोण नियम, इसके द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वर्ष 2020 में के लिए इसको कोर्स में से हटा दिया गया है सिद्ध करना। ठीक, तो आपको ये दो नियम याद रखने हैं। और नियम क्या है, पहला नियम सुनिए, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही बोलेंगे। अगर परीक्षा में ये सवाल आता है एक नंबर या दो नंबर का कि ऐसे ऐसे नियम त्रिभुजों की सर्वांग समता का क्या नियम है, तो आप ये नहीं बोलेंगे भुजा कोण भुजा, नो। आपको क्या बोलना है, यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच बना कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच बने कोण के बराबर हो, तो ये त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। इस नियम को भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। दूसरा, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा पर बने दोनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा पर बने दोनों कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और इस नियम को कोण भुजा कोण नियम कहते हैं। ध्यान रहे, कोण भुजा कोण नियम को, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए दो कोण बनाने पर बराबर होने पर तीसरा कोण भी बराबर होगा, अतः हम इसको AAS नियम या SAA नियम भी कह सकते हैं। ठीक, अब है प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक में चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर बीडी, एसी बराबर एडी, ये आपको दिया हुआ है। एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण नंबर ए बराबर कोण नंबर दो, नंबर डालने चेक करेंगे तो आसान सवाल हो जाएगा। ये बराबर का संकेत है, कोण ए बराबर कोण दो, ये हमें दिया है सब कुछ। आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है, क्या दर्शाना है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी, यह आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए अगर रचना की आवश्यकता है तो रचना करो, और जब आवश्यकता नहीं है तो नहीं करनी हमको रचना, तो हम सीधा लिखते हैं उपपत्ति। प्रश्नों में आप उपपत्ति की जगह हर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रमेय करेंगे तो उपपत्ति ही लिखेंगे। बोलिए एसी, अब आपको इन दोनों नियमों में से कोई सा नियम देखना है। नियम आपके पास चार है, दो नियम आगे प्रश्नावलियों में आएंगे, फिलहाल आप इन दो नियमों से सिद्ध करें। एसी बराबर एडी, बताओ कहां से आया, एसी बराबर एडी हमें प्रश्न में दिया है, राइट। कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, ये भी हमें दिया है। तीसरी चीज ढूंढिए क्या है, एडी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ, ये दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो त्रिभुज कौन सा बना, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का निशान है, दो लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ए सी बी, अब ए सी के समान कौन सी भुजा है, इस पर आओ, ए डी बी, ऐसा भी कह सकते हैं।
कौन सा नियम लगाया? एस ए एस कसौटी या नियम से। सवाल नंबर दो, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, क्या दिया हुआ है आपको? एबीसीडी एक चतुर्भुज है, जिसमें एडी बराबर बीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एडी बराबर बीसी, ये भुजा बराबर ये है, डी ए बी कोण डी ए बी बराबर सी बी ए, सी बी ए, अब देखो डी ए बी कहां पर है, डी ए बी यानी कि ये पूरा कोण, इसका नंबर एक दे दो, सी बी ए इसका नंबर दे दो दो, या कोण एक बराबर कोण दो। तो सिद्ध करो, सिद्ध करना है, यह हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है, पहला त्रिभुज एबीडी सर्वांशम त्रिभुज बीएसी करिए हल, दूसरा सवाल बाद में करेंगे, पहले इसी वाले को। ए बी डी की कौन सी भुजा, यह है ए बी, ए बी डी की भुजा ए डी आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी में, बोलो त्रिभुज ए बी डी की ए डी बराबर है बीसी के, क्योंकि हमें दिया हुआ है, कहां से आया, दिया है। त्रिभुज एबीडी में कोण डीएबी, डीएबी बराबर इसका है सीबीए। अब तीसरी भुजा देखिए, जो या कोई कोण देखिए जिससे कि हम सिद्ध कर सके, हमारे पास एक भुजा आ गई और एक कोण आ गया, ये भी हमें दिया है। इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में अब बताइए, ये भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में है, इस वाले में भी है और उस त्रिभुज में भी है, तो आप लिखेंगे इस त्रिभुज की ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ। अब क्रम देखिए, डी ए बी, अब देखो आपको त्रिभुज ये सिद्ध करना है ए बी डी, तो कहां से चलेंगे, ए यानी कि जिस बिंदु पर कोण बना है उसको पहले ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होगा, अब यहां पर कौन किस बिंदु पर बनाए, बी, त्रिभुज बी ए सी, कौन सा नियम लगा, एस ए एस नियम से। समझ में आया? प्रश्न संख्या इसी का दूसरा, बी डी बराबर बी सी, सिद्ध करो, बी डी बराबर ए सी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, वो
पहले समझ लीजिए, तब आपके ये प्रश्न समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम यह है कि सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर्वांग समता को अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। आर इक्वल, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी पी सी टी। इस नियम को सी पी सी टी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पी क्यू आर। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण बराबर ये कोण, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे ऐसे इस नियम से। अब इनके संगत पार्ट कौन से हुए, ए बी बराबर होगी पी क्यू के, तो ए बी और पी क्यू संगत है, बी सी और क्यू आर संगत है, और कोण बी और कोण क्यू संगत है। ऐसे ही सी ए और आर पी संगत है। ए शीर्ष का संगत शीर्ष पी है, बी का क्यू है और सी का आर है। तो अब आप यहां लिखेंगे, इसको हल करेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएसी के, कहां से आया हमने सिद्ध किया है, कहां से आया हमने सिद्ध किया है, इसलिए बीडी बराबर एसी, बीडी बराबर एसी, कहां से सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत यह है बीडी, उधर कौन सी भुजा लेंगे फिर एसी। तीसरा, सिद्ध करो कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी, यह आपको सिद्ध करना है। तीसरा सवाल सिद्ध करना है कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे यह है। आप लिखेंगे हल, चूंकि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएसी के, इसलिए अब इसका संगत शीर्ष कौन सा है, ए का बी, बी का इसके बी का ए और इसके डी का सी, यह संगत शीर्ष है। तो इसलिए ए बी डी यानी कि ये वाला कोण ए बी, ये वाला इतना सा, ये जो मैं काला कर रहा हूं इतना सा, ए बी डी बराबर होगा बी ए सी इसके, ये जो काला किया आप इतना सा कोण, ये बस बी ए सी किससे, सी पी सी टी से, बस इतना सा लिखा है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं।
प्रश्न संख्या तीन और आज के लिए लास्ट, एक आकृति दी हुई है इस प्रकार की, ये निशान किस चीज का है, 90 डिग्री का, समकोण का। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या है, हमें जो दिया है वो सुनिए। एबी और एडी एक रेखाखंड एबी पर एडी और बीसी बराबर के लंब है, एडी लंब है एबी पर, बीसी लंब है एबी पर, और एडी बराबर बीसी। ये चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, और ये दोनों बराबर भी हैं, ये दिया हुआ है। ओके, ये बिंदु मान लीजिए ओ है, मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, दर्शाइए सीडी एबी को समद्विभाजित करती है, हमें दर्शाना है सीडी एबी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में बांटती है, अर्थात जो ये सीडी है इस एबी को बराबर बराबर भागों में बांटती है, अर्थात बीओ बराबर सीओ एओ, ये आपको सिद्ध करना है। करें तो देखिए, बीसी बराबर एडी कहां से आया, दिया है कोण बी बराबर कोण ए, बी बिंदु पर और ए बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है, इसलिए हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं, ये भी हमें दिया है, आप ये लिख सकते हैं, या समकोण 90 डिग्री है दोनों, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, कोई सा भी एक बात नहीं है। तीसरी बात ढूंढिए, तीसरी बात क्या दी हुई है आपको, देखिए ये कोण बराबर ये कोण, ये भुजा बराबर ये भुजा, और कोण बीओसी बराबर होगा कोण एओडी के, बताइए क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमने क्या सिद्ध किया, दो तो कोण और एक भुजा बराबर, तो कौन सा नियम लगेगा, एएसए नियम, ए एस ए, ए एस ए, तो आप लिखेंगे वैसे इसमें है ना, ए एस नियम लग रहा है, ए ए एस या एस ए ए, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, तो आप लिखेंगे ए एस ए नियम से के उपनियम, आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नियम से, त्रिभुज बी ओ सी 90 से चले इस पर आए फिर वहां गए, आप भी यहां से भी 90 से चलेंगे, सर्वांशम होगा ए ओ डी के, अतः जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुए तो क्या होगा, तो लिखिए ये नियम कौन सा लगा, ए एस ए नियम, ठीक है, अब लिखेंगे अतः इसकी भुजा बीओ बराबर इसकी भुजा एओ, संगत संगत भुजाएं,
बीओ बराबर हो जाएगा एओ। अब देखो क्या क्या हो सकता है, ओसी बराबर ओडी, कोण बी बराबर कोण ए, कोण ओ बराबर कोण ओ, कोण सी बराबर कोण डी, सी कौन सी बराबर कोण डी, ये संगतता कहलाती है। तो कहां से आया ये, सी पी सी टी, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, उस इससे हमने इसको सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आज हमारे जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, अतः सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, बराबर है दोनों टुकड़े, बस यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम लिखें या हैंस प्रूव्ड लिखें लास्ट में, या क्यूईडी क्वाड एलाइड एमोशनडम कुछ भी ले सकते हैं, या यही सिद्ध करना है। इति सिद्धम संस्कृत में, हैंस प्रूव्ड अंग्रेजी में, यही सिद्ध करना है हिंदी में, और क्यूईडी ग्रीक लैंग्वेज में, ये सब पर्यायवाची हैं, दूसरे के लैंग्वेज का अंतर कुछ नहीं सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।